हार्दिक अभिनंदन प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको मनुष्यता पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो मैं सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे, तत्पश्चात कविता का वाचन करते हुए उसमें आए हुए कठिन शब्द को जानेंगे, उसके बाद कविता का भावार्थ करते हुए उससे संबंधित अर्थ ग्रहण संबंधित एवं सराहना संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के निकट चिरगांव नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक रचनाएं कोलकाता से निकलने वाले एक पत्र में छपती रही। गुप्त जी धर्मप्रिय राम भक्त और निर्भिमानी व्यक्ति थे। उन्हें खड़ी बोली में कविता रचने की प्रेरणा द्विवेदी जी ने दी। इनकी मृत्यु December 1964 को हो गई। काव्य की रचनाएं इस प्रकार से है, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि। अब हम आते हैं मनुष्यता कविता का सारांश पर। तो मनुष्यता कविता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। इसमें देश हित, परोपकार और उदारता को अपनाने की प्रेरणा दी गई है। कवि कहते हैं कि मनुष्य जीवन नश्वर है, अतः मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, उसे गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली मृत्यु को अपनाना चाहिए। स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है और मनुष्यों के लिए जीना मरना मनुष्यता है। संसार में सदा उसी की यशोगाथा गाई जाती है जो सारे संसार में अपनापन देखता है और सबको अपना मानता है। उदाहरण देते हैं, रंतिदेव, दधीची, उसिनर, कर्ण आदि महान आत्माओं ने संसार के हित में बढ़ चढ़कर त्याग किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह उनसे प्रेरणा पाकर इस नश्वर शरीर का मोह न करे और मन में सहानुभूति, दया, उदारता और परोपकार को जगह दे। कभी मनुष्यों को प्रेरणा देता हुआ कहता है, कभी धन और सुरक्षा का गुमान नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सब पर परमात्मा का हाथ है। भाग्यहीन नर वह है जो अधीर होकर हाय हाय करता है। इस अनंत आकाश में असंख्य देव तुम्हारी सहायता करने को तैयार हैं, परंतु सब मनुष्यों को चाहिए कि वे परस्पर सहायता से आगे बढ़े। वे सभी मनुष्यों को अपना बंधु माने। एक परमात्मा ही सबका पिता है, चाहे लोगों के कर्म विधित हो, विविध हो, किंतु
अंतरात्मा से सभी एक हैं, इसलिए हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य की व्यथा हरने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह आपस में मेल जोल बढ़ाते हुए, राह के रोड़ों को हटाते हुए, भिन्नता की जगह एकता को बढ़ाते हुए तथा औरों का उद्धार करते हुए अपना भी उद्धार करे। तो बच्चों, ये पूरे पाठ का सारांश, जितने पैरा इस पाठ में है, सभी पैरा का मिला जुला मैं आपको सार बताया हूँ। तो आप इसको एक बार अवश्य सुने कि इसमें क्या क्या बताया गया है, उसके बाद कविता के भावार्थ पर आएं, ठीक है? तो आइए हम सीधे चलते हैं कविता के भावार्थ पर। वो भी कविता का पहला भावार्थ मैं करूँगा। तो कविता का भावार्थ करने से पहले एक बार हम लोग कविता का वाचन कर लें तो उससे क्लियर हो जाएगा सभी शब्द का उच्चारण कैसे होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, कविता का वाचन पूरा हुआ, उसमें आए हुए कठिन शब्द पर आप ध्यान दीजिए। पहली पंक्ति पे आप ध्यान दीजिए, मर्त का अर्थ यहाँ पे होता है मरणशील, जिसका मरना तय हो, ठीक। अब आते हैं तीसरी लाइन पे, सुमृत्यु। सुमृत्यु मतलब होता है गौरवशाली मृत्यु, ठीक है। वृथा मतलब होता है व्यर्थ, दूसरा अर्थ इसका होता है बेकार, ठीक है। अब आप पांचवी लाइन पे आइए, वही पशु प्रवृत्ति है। पशु प्रवृत्ति मतलब होता है पशुओं जैसा स्वभाव, ठीक है। आगे देखिए, आप ही चरे। चरे का यहाँ अर्थ होता है खाए पिए, भोग करे। तो पशु तो आप जानते ही हैं, वो चरता है, उसको हम खाना नहीं बोल सकते कि वो खा रहा है, उसको चरना बोलते हैं, ठीक है। तो सब कविता में आए हुए सभी कठिन शब्द का अर्थ आपको बताया गया। अब आते हैं हम ये भावार्थ पर। तो भावार्थ आप सुने, इस कविता में कवि ने मनुष्य को मनुष्यता और परोपकार करने की प्रेरणा दी है। फिर से सुने एक बार, इस कविता में कवि ने मनुष्य को मनुष्यता और परोपकार करने की प्रेरणा दी है। तो हम भावार्थ शुरू करें। विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी। कवि कह रहा है कि आप इस बात पर विचार करो कि मानव या सभी प्राणी क्या है, मर्त हो, मरणशील हैं। कवि कहता है, आप इस बात पर विचार करो कि मानव या सभी प्राणी क्या हैं, मरणशील हैं, अर्थात मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए कह रहा है, मृत्यु से डरो कभी, न मृत्यु से डरो कभी। इसलिए कहता है, इसलिए मौत से डरा मत करो, ठीक है बच्चों। तो पहली पंक्ति की व्याख्या हो गई, आप ध्यान देना। अब हम आते हैं दूसरी पंक्ति पे। कह रहा कि मरो, परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। कह रहा कि तू
ऐसी मौत मरो, ऐसी मृत्यु मरो, सॉरी मौत मरो, इस प्रकार कह रहा है कि इस प्रकार मरते सभी हैं, कह रहा है परंतु यो मरो की, कह रहा कि इस प्रकार मरते सभी हैं लेकिन वही मृत्यु महान है जो सभी लोग याद करते हैं। कह रहा है मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, कह रहा है कि इस प्रकार तो सभी लोग मरते हैं लेकिन वही मृत्यु महान है जिसको सभी लोग याद करते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि हुई न यो सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए। कह रहा है कि यदि ऐसी मृत्यु नहीं हुई, सुमृत मतलब मृत्यु, कह रहा कि यदि ऐसी मृत्यु नहीं हुई तो ऐसे व्यक्ति का मरना व जीना दोनों निरर्थक है, दोनों बेकार है। करा है वृथा मरे वृथा जिए, करे बेकार में मर गया और बेकार में जी रहा है, दोनों बात कर रहे हैं कि यदि ऐसी मृत्यु नहीं है तो ऐसे मृत्यु का मरना, ऐसे व्यक्ति का मरना व जीना दोनों निरर्थक है। आगे क्या कह रहा है, मरा नहीं वही जो जिया ना आपके लिए। कह रहा जो मनुष्य दूसरों के काम नहीं आते हैं, कह रहा है मरा नहीं वही जो जिया ना आपके लिए, कह रहा है कि जो मनुष्य दूसरों के काम नहीं आते हैं वही पशु प्रवृत्त हैं कि आप ही आप चरे। कह रहा है कि वे पशु समान हैं, वे क्या हैं, पशु समान हैं, वह उनका स्वभाव पशु जैसा है कि अपने लिए खा रहे हैं, अपने लिए पी रहे हैं। अर्थात जो मनुष्य स्वयं अपने लिए ही नहीं जीता बल्कि समाज के लिए जीता है, ठीक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहा है वही कभी नहीं मरता है, स्वयं अपने लिए खाना कमाना और जीना पशु का स्वभाव है। कह रहा है स्वयं अपने लिए खाना जीना ये पशु का स्वभाव है। अंतिम लाइन पे देखो, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहा कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए जीता है और मरता है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको पहले पैराग्राफ का व्याख्या समझ में आया होगा। अब हम आते हैं दूसरे पैरा पर, तो उसका वाचन करते हैं, आप ध्यान दीजिए। उसके बाद उसमें आए हुए कठिन शब्द पर आपको ध्यान दिलाया जाएगा, ठीक है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्त गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त श्रेष्ट पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कविता का वाचन पूरा हुआ, इसमें आए हुए कठिन शब्द पे आप ध्यान दीजिए। पहली पंक्ति पे ध्यान दीजिए, उसी उदार की कथा, उदार मतलब होता है दानशीलता, दूसरा अर्थ इसका होता है देने वाला। कथा तो आपको पता ही है, कथा कहानी खिस्सा, सरस्वती भी पता है आपको, बखानती मतलब प्रशंसा करना, बखानती मतलब होता है प्रशंसा करना। आगे देखो फिर कह रही है, दूसरी लाइन पे देखिए, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती,
धरा मतलब धरती होती है, और कृतार्थ मतलब होता है आभार। कृतार्थ भाव मतलब आभार व्यक्त करना। आगे देखो क्या कह रही है, उसी उदार की सदा सजीव कीर्त गूंजती। कह रहा कि उदार तो आपको बताया गया है, सजीव मतलब होता है सदा सजीव कीर्त गूंजती। यहाँ पे सजीव मतलब जीवित होता है, ठीक है ना। कीर्त गूंजती का मतलब ये होता है, यश कीर्ति मतलब यश, और गूंजती मतलब मधुर ध्वनि करती, ठीक है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्ट पूजती। समस्त सृष्ट मतलब सारा संसार, पूजती मतलब सम्मान करती, ठीक है। अखंड मतलब होता है जिसका खंड न किया जा सके, सबके साथ एकता और आत्मीयता का भाव। अखंड मतलब होता है या पूरा एक ही में देखिए, अखंड आत्मभाव, तीनों का अर्थ हो गया सबके साथ एकता और आत्मीयता का भाव रखना। असीम मतलब होता है अनंत, और विश्व मतलब होता है संसार, ठीक है। नीचे वाली पंक्ति का अर्थ तो आपको पता ही है, उस पहले वाली लाइन को ही रिपीट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आइए हम व्याख्या करें। क्या कह रहा है कवि देखिए। कवि कहता है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। कवि कहता है कि जो व्यक्ति समस्त विश्व में अपनापन भर दे, समस्त विश्व में अपनापन भर दे। आप इसकी व्याख्या ये पांचवी लाइन पे आएंगे तो उसका व्याख्या आपको मतलब क्लियर होगा। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड भाव आत्मभाव का अर्थ मैंने बताया था आपको, सबके साथ एकता और आत्मीयता का भाव, सबके साथ एकता और आत्मीयता का भाव। कवि कह रहा है कि जो व्यक्ति समस्त विश्व में अपनापन भर दे, अर्थात विश्व के सभी जनों को अपना ही समझे, विश्व के सभी जनों को अपना ही समझे। तो पांचवी लाइन है, थोड़ा आप ध्यान दीजिए, उससे आपको व्याख्या निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, तब व्याख्या निकलेगी। कह रहा है, कवि कहता है कि जो व्यक्ति समस्त विश्व में अपनापन भर दे, अर्थात विश्व के सभी जनों को अपना ही समझे, उसकी क्या होता है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसकी प्रशंसा सरस्वती भी करती है। ऐसे उदार व्यक्ति की प्रशंसा सरस्वती भी करती है, अर्थात पुस्तकों में उसी व्यक्ति की कथा लिखी जाती है। हुआ आपको क्लियर। आगे देखो क्या, नीचे वाली लाइन को देखो, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कह रहा है उसी के उदारता से उसके प्रति सारी पृथ्वी आभार प्रकट करती है। सारी पृथ्वी क्या करती है, आभार प्रकट करती है।
तीसरी लाइन में कह रहा है कि उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, कह रहा कि उसी उदार मनुष्य का यश सारे संसार में गूंजता है, यश सारे संसार में गूंजता है। आगे क्या कवि कह रहा है देखिए, तथा उसी उदार को समस्त श्रेष्ठ पूजती, कह रहा है कि विश्व के लोग उसी तरह के उदार व्यक्ति की पूजा भी करते हैं, विश्व के सारे लोग उसी उदारता के नाते उस व्यक्ति की पूजा भी करते हैं, समस्त संसार पूजता है, समस्त सृष्टि पूजती है। इसलिए कह रहा है कि वही मनुष्य है जो परहित में मरता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, कह रहा है सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए, जो दूसरों के हित के लिए जीता है और मरता है। तो बच्चों आज मैं आपको सिर्फ दो पैरा का व्याख्या करके भेज रहा हूँ, तो आशा है कि आप उसको अच्छे ढंग से सुनेंगे और फिर अपनी पुस्तिका में इन दोनों पैरा का व्याख्या लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर हम आगे वीडियो में आपका अगला पैरा लेकर के मिलूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।